बहुत असामान्य जीवन जीने की पांच टिप्स, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि हम बार 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 वही चीज करते रहते हैं, वही एक्शन लेते रहते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो वही सोल्यूशन से उसका हल करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक सिंपल भाषा में बोलना है कि मेरे पास में एक हथौड़ा है और वो हथौड़े से ही मैं जो जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते रहता हूँ। मुझे आपको ये कहना है कि लाइफ में अलग 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 प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको क्या करना है, आपको हर जगह वही वही एक्शंस लेने का नहीं है, क्योंकि कहीं जगह जो पुरानी एक्शन है वो काम नहीं करेगी, नई एक्शन लेनी पड़ेगी, नए सोचना पड़ेगा। तो ऐसा बोलता है कि न्यू वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग, प्लानिंग एंड एक्टिंग, नहीं यहाँ बदल दिया, सो न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, प्लानिंग एंड एक्टिंग, नए तरीके सोचने के, योजना बनाने के और कृति करने के, नए नए लाना पड़ेगा। और आप जब नए नए रास्ते लाएंगे, सोचने के, योजना बनाना, कृति करना, तो आप बहुत बड़े व्यक्ति, महान व्यक्ति बन सकते हैं। दूसरा जो है कि हमने रोज यदि कुछ ना कुछ नया करते हैं, न्यू वेज, नए तरीके, नई एक्शंस रोज दो, भले छोटी से छोटी हो जाए ना, छोटी, एकदम छोटी, एकदम माइनर, मगर आप कर रहे हो तो आप देखो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। कुछ भी आप कर सकते हैं, हो सकता है कि आपने मैराथन दौड़ने का मतलब एक संकल्प कर लिया, उसके तरफ आप कुछ एक्शन करते हैं, कोई नई स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, कोई नए प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वर्कआउट के प्रोग्राम्स है, या कोई नई भाषा सीख रहे हैं, या कुछ भी नया, मतलब आपका बिजनेस कैसे बढ़ाना उसके बारे में कोचिंग ले रहे हैं, या उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नया रास्ता रोज नया देखते हैं आप, तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ आप जी सकते हो। फिर तीसरा है कि हम लाइफ में रिएक्ट करते हैं कि रेस्पॉन्ड करते हैं। यूजली होता क्या है कि हम रिएक्ट करते रहते हैं, रेस्पॉन्ड नहीं करते। रिएक्ट करना मतलब प्रतिकार करना, उल्टा कुछ तो भी करना, जो हो रहा है उसको, उसके ऊपर रिएक्ट करना, उसको प्रतिकार करना, उसको रिएक्शन बोलते हैं। रेस्पॉन्ड को बोलते हैं प्रतिसाद देना, और रेस्पॉन्ड में है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी। तो जिम्मेवारी में कहीं दोष नहीं होता है, किसी को दोष देना नहीं हमको जिम्मेवारी में। जिम्मेवारी में कोई रीजन ढूंढना नहीं है कि ये रीजन हो गया, वो रीजन हो गया, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वो रीजन है, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वो रीजन है। तो नो रीजंस, नो ब्लेम गेम, पूरी जवाबदारी मेरी है, नो शिकायत, नो कंप्लेंट्स, पूरी जवाबदारी मेरी है, ऐसा जीवन जीना और वहां खड़े रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हम लोगों की तरफ देखेंगे तो लोग बहुत बड़े पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है। आप कोई पेपर, वर्तमान पत्र, अखबार खोलेंगे तो वहां सब निगेटिव 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 दिखेगा, निगेटिव पढ़ने मिलेगा। कोई आप किसके पास में बोलो मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, लोग बोले ऐसा होते नहीं रहता, इसमें कुछ पड़ा नहीं है, कोई दम नहीं है, ये तो हमने करके देखा हुआ है, ऐसा कुछ बोलते रहेंगे। तो लोग निगेटिव है, होलसेल में लोग निगेटिव घूम रहे हैं अपने आजू बाजू में। आपने हरदम क्या करना है कि पॉजिटिव लोग जो है, जिन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने लाइफ में किया हुआ है, उनके संपर्क में आओ, उन्होंने क्या किया, तो वो जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज है, मोटिवेशनल स्टोरीज है, वो आप देखते हैं, और हार्डशिप से वो कैसे चले गए ऊपर और उन्होंने क्या किया वो आप करते हैं, तो आप ऑप्टिमिस्टिक बन जाएंगे, आप आशावादी बन जाएंगे और आप भी वो लेवल तक जा पाए। और पांचवा है कि भाई जो डेस्टिनेशन है, जहां हमको जाना है, उसके बारे में सोचना, उसके लिए तक 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 करना, उसका टेंशन लेना, उसके बदले जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसकी मजा लेना। जीवन जो है ना, ये मजा लेने का है। हमको मालूम नहीं कि वन डे, समडे, मंडे, अंडे, कब क्या होगा, तो पता नहीं हम कल जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पता नहीं हम वहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, हमको मालूम ही नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो मेरा जो आनंद है, मेरी जो खुशियां हैं, वो मुझे एक दिन मिलाने की नहीं है। मैं बहुत यात्रा कर रहा हूं, बहुत सफर कर रहा हूं, बहुत टेंशन स्ट्रेस ले रहा हूं, वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, और वहां पहुंचने के बाद में मैं खुश हो जाऊंगा ऐसा सोच रहा हूं, तो वैसा जीना जीने के बदले भाई जो मेरी यात्रा है, जो सफर है, उसमें ही बहुत मजा है, वही मजा करते करते यात्रा करना है और उसमें ही मजा करना है। लाइफ इज नॉट अबाउट वन डे, लाइफ इज राइट नाउ। तो हम करते हैं तो बहुत बड़ा खुशियां, बहुत बड़ा प्यार लोगों का, बहुत बड़ा आनंद जीवन का हम ले सकेंगे।
तो ये जो पांच टिप है मैं फिर से दोहराता हूं। नंबर एक कि न्यू वेज ऑफ थिंकिंग प्लानिंग एंड एक्टिंग, सोच योजना और कृति। नंबर दो रोज नए नए एक्शन सीखना या लेना। नंबर तीन जिम्मेवारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। नंबर चार ऑप्टिमिस्टिक लोगों के संपर्क में आना, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आना, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल जो स्टोरीज है वो सुनना है और हरदम ऑप्टिमिस्टिक रहना है। और नंबर पांच जो जर्नी है, यात्रा जो है, सफर, वो एंजॉय करना। ये आप करते हैं तो बहुत बड़ी मजा लाइफ में आएंगी और लाइफ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, एक ग्रेट लाइफ हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।